So today we will study about the part 2 of chapter 2 of class 7. And today's topic is functioning of our digestive system. So as we all know that the solid form of food which we eat can be broken down into smaller pieces and convert into the soluble form. So now, digestion. What is digestion? The process of converting of complex form of food into the absorbable form is called digestion. Digestion kya hota hai? Jo hamara complex form of food hota hai, matlab jo zyada kathin jo hum khate hain, usko hum digest karke beech mein jo bhi processing hoti hai, usse usme se important substances nikal ke jo work hota hai, use kehte hain digestion. तो किसी भी प्रोसेस को वर्कआउट करने के लिए एक पूरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. तो इसी तरीके से हमारे डाइजेशन को वर्कआउट करने के लिए एक पूरे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा हमारे बॉडी में कैसे खाना जाता है, कैसे हम खाते हैं, वहाँ से कैसे पूरी प्रोसेसिंग होती है, एनर्जी लेवल हमारा कैसे जाता है, हमारी बॉडी को किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं. तो इसीलिए ये हमारे चीज़ जो है, पूरी प्रोसेस जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ये बहुत ही डेलिकेटिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का. किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, एक सिस्टम की ज़रूरत होती है. तो वैसे भी हम खाना क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं हम खाना? व्हाई डू वी ईट फूड? हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले. और एनर्जी का यूज़ कहाँ होता है? हमारी बॉडी में एनर्जी हम यूज़ करते हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ के लिए, पढ़ने के लिए. पढ़ना जो है हमारे फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो आपको भी पढ़ना चाहिए. तो पढ़ने इस सब चीज़ों के लिए जब हम एनर्जी का यूज़ करते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डेडिकेटेड थिंग है, चीज़ है. तो इस प्रोसेस को करने के लिए भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ का यूज़ होता है, एंड दैट इज़ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट द फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम, एज यू सी दिस डायग्राम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसके स्टेप में सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माउथ का यूज़ होता है. खाना खाने के लिए सबसे पहले हमारे माउथ का यूज़ होता है. माउथ से हम फूड जो है वो अंदर जाते हैं, उसके बाद मेस्टिकेट होता है, टीथ से, दांतों से हमारा टीयर होता है, उसके बाद वो जाता है ईसोफेगस में. ईसोफेगस को सिंपली हम फूड पाइप भी कहते हैं. इसके ईसोफेगस की हेल्प से जो है हमारा फूड जो है वो हमारे स्टमक में जाता है. स्टमक में भी थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो हमारा फूड है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. और जो हमारा लीवर और पैनक्रियास है, इनसे भी जो कंपोनेंट्स निकलते हैं वो सारी चीज़ें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है. आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंपोनेंट्स बाहर निकलते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. और लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो बचा हुआ मटेरियल होता है, बहुत कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में भी यूज़ होते हैं, उसमें से जो बाहर चीज़ें निकलती हैं वो भी एब्जॉर्ब हो जाती है हमारी बॉडी में. एंड आफ्टर दैट जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो बचा हुआ मतलब जो बिल्कुल भी यूज़लेस होता है, वो मटेरियल हमारे रेक्टम में आता है. और रेक्टम से फिर एनस में जाता है, और एनस के थ्रू जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब बाहर आ जाता है. अब वेस्ट मटेरियल का बाहर आना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी है, हमारा जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं, हमारी जो होल बॉडी है वो एक बहुत डेलिकेटेड चीज़ है, जिसमें एनर्जी वगैरह का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. इसीलिए ये जो वेस्ट मटेरियल है वो भी हमारा बॉडी से बाहर आना ज़रूरी होता है. अगर वो वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं आएगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी जो है उसकी फंक्शनिंग जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट सम brief explanation of each and every part of our digestive system. And now the first point is mouth. Mouth, as you see that सबसे पहले जो हमारी processing है वो mouth से ही start होती है. Obviously खाना जो है वो सबसे पहले mouth में जाता है. So first step is start from mouth. With the food can be masticated in our mouth with the help of saliva. So now teeth. आप देख रहे हैं teeth का diagram. टीथ जो होती है वो हमारे माउथ में क्या करने के काम आते हैं? एज यू ऑल नो, कटिंग, मेस्टिकेट फूड को करने के काम टीथ करता है. ठीक है, टीथ्स आर ऑफ फोर टाइप्स. एज यू ऑल नो, टीथ आर ऑफ फोर टाइप्स: इंसाइजर, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स. सो फर्स्ट पार्ट इज इंसाइजर. व्हाट इज इंसाइजर? इंसाइजर क्या होते हैं? जो हमारे फ्रंट के
फोर टीथ होते हैं, चार दांत होते हैं, उन्हें कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर जो होते हैं वो हमारे पूरे माउथ में एट होते हैं, फोर जो अपर जॉज में और फोर लोअर जॉज में। इंसाइजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाइटिंग टीथ बिकॉज ये फूड को बाइट करने में वर्क करते हैं और क्लियरली स्पीक करने में भी वर्क करते हैं, क्लियरली बोलने में भी वर्क करते हैं। सो नाउ सेकेंड वन इज कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ आर द पॉइंटी टीथ जो हमारे इंसाइजर के बाद टीथ प्रेजेंट रहते हैं। फिफ्थ वन इज कैनाइन टीथ। ये पूरे जॉ में, पूरे हमारे माउथ में फोर होते हैं, यानी कि टू अपर जॉज में और टू लोअर जॉज में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ बिकॉज ये क्या करने के काम आते हैं, फूड को टीयर फाड़ने के काम आते हैं। ओके एंड द थर्ड वन इज प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तो प्री मोलर्स और मोलर्स क्या होते हैं? प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं वो कैनाइन और इंसाइजर से काफ़ी बड़े होते हैं। जो हमारे जॉ में लास्ट एरिया में जो दांत होते हैं उन्हें प्री मोलर्स और मोलर्स कहते हैं। ये क्या वर्क करते हैं? ये हमारे फूड को ग्राइंड करने में वर्क करते हैं। जो फूड पूरे तरीके से चबाया जाएगी उसमें वर्क करते हैं। इसे हम हिंदी में दाढ़ के दांत भी कहते हैं, एज यू ऑल सी इन द डायग्राम अबाउट प्री मोलर्स एंड मोलर्स। तो ये ईच साइड ईच जॉ में हमारे फाइव होते हैं, यानी कि अगर ये ईच जॉ में फाइव है तो ये टोटल नंबर में 20 होंगे। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर प्रेजेंट इन आवर माउथ अबाउट 20 इन नंबर्स। सो नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर माउथ इज टंग, एज यू सी इन डायग्राम अबाउट टंग। टंग क्या वर्क करती है गाइस? टंग वर्क करती है हमारा जो च्यूड फूड है, हमारे दांतों ने जो फूड च्यू किया है उसको सलाइवा में मिक्स करने का काम करते हैं। एंड यू ऑल नो अबाउट सेंस ऑर्गन्स, सो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन्स। क्यों? क्योंकि टंग में जो है टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। तो द सेकेंड पॉइंट ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज ईसोफेगस। ईसोफेगस मैंने बताया था इज ऑल्सो कॉल्ड द फूड पाइप। ईसोफेगस क्या होता है? ये हमारे माउथ में जब हमारा फूड जो है सलाइवा में मिक्स हुआ, उसके बाद जो हमारा फूड वो माउथ में तो रखा नहीं रहता, वो नीचे जाता है, तो किसके हेल्प से? यहाँ पर हमारे नेक में लगी रहती है, यहाँ से एक लॉन्ग पाइसी ऊपर से नीचे स्टमक में जाने तक की प्रोसेस को पेरिसलेटिक मूवमेंट कहते हैं। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज स्टमक। स्टमक इज ए सिंपलर थिक बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो बैग लाइक होता है और सी शेप का होता है, एज यू सी इन द डायग्राम। इसका वर्क क्या होता है? जो हमारा फूड पाइप से सारा का सारा फूड जो होता है ये इसमें आके स्टोर होता है। जो हमारा स्टमक होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड को होल्ड करने की कैपेबिलिटी रखता है अपने ऊपर, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो इलास्टिकेटेड होता है। ठीक है, इसके अंदर फूड जो है वो 2 से 3 आवर्स तक आराम से रह सकता है। ये क्या करता है? जो भी इसके अंदर ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस पाए जाते हैं जो कि हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं उनको एक सिंपलर फॉर्म में चेंज कर लेता है। सो नाउ द टर्न ऑफ द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स विच स्टे मोर क्लोज टू द स्टमक एंड दे आर लीवर एंड पैनक्रियास। एंड यू ऑल्सो नोनेस, आपको पता होगा जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है वो कौन सा होता है? दैट्स लीवर, एज यू सी इन द स्क्रीन। तो लीवर और पैनक्रियास से भी जो भी जूस वगैरह जो डाइजेस्टिव जूस ये सिक्रेट करते हैं ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं, क्योंकि स्टमक जो है वो स्टमक से सारा फूड जो भी सिक्रेट होकर आ रहा है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो भी ये भी डायरेक्टली उसे स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं। नाउ द टर्न ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। वैसे अगर हम इसके लेंथ को लेकर चले तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन होनी चाहिए, बट इसके विड्थ ये बहुत पतली होती है साइज में, इसलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। सारा का सारा फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो वो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि लीवर और पैनक्रियास भी अपना जो एंजाइम है वो यहीं देते हैं। तो सारे के सारे एंजाइम्स जो मिले होते हैं तो वो फूड में से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिंस फैट्स ये सारी चीज़ों को आसानी से अलग कर लेते हैं। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसमें से फूड आगे कैसे बढ़ता है? ये भी फूड को आगे के लिए एब्जॉर्ब करती है बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं। विलाई की हेल्प से ये फूड जो है आगे को बढ़ता है। सो नाउ द टर्न ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को वैसे तो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलना चाहिए,
बट इसे लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं बिकॉज ये शेप में थोड़ा ब्रॉड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ये शेप में ब्रॉड होता है। अब ये वर्क क्या करता है, ये वर्क करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन अपने पास रख लेता है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं बचे हुए और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ये सब फाइनली अपने पास रख लेता है। सो नाउ We are tell about the rectum. Rectum, large intestine में सारा का सारा food जो undigested उसमें से बचे हुए molecules सब absorb हो गए, उसके बाद जो बाकी का undigested food बचा वो सारा का सारा किसके पास आ जाएगा, जो solid waste material है वो सब rectum के पास आ जाएगा, और rectum के पास आकर वो सब anus के through body से बाहर आ जाएगा। So now an important note, digestive enzymes. डाइजेशन की प्रोसेस में जो हमने पूरी माउथ से लेकर एनस, रेक्टम और एनस तक पढ़ी, उस प्रोसेस में जितने भी एंजाइम्स का यूज हुआ वो सब आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स में। सो क्लास रिवाइज दिस एट योर होम प्लेस, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक दिस एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड बी विद सारांश क्लासेस। सो क्लास रिवाइज दिस एट योर होम प्लेस एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज like this and share and also subscribe to our channel and be with Sarans Classes.